मेरा भाभी भाभी आई है, भाभी आ रही है। मुझे बताया नहीं आपने। अरे भाभी सलाम, ये कौन है? ये आपने नहीं पहचाना? ये बबल्स? नहीं नहीं, तुम्हारा भाई। हाँ हाँ। ओह माय गॉड, तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरा देवर मेरी नंद है? ये मेरी नंद। वैसे भाभी लग रही है मेरी, लेकिन मेरा वाईफाई इनके सिग्नल पता नहीं क्यों पकड़ा है। समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बता दूं बबल्स कि मैं आ गई हूं और मुझे बिल्कुल अपनी भाभी ना समझना, अपनी बहन समझ के तुम्हें पालूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, आधी साड़ियां तुम्हें दे दूंगी। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, आधी ज्वेलरी तुम्हें दे दूंगी। आपको पता है इतनी अच्छी भाभी आपने जुड़ी, थैंक यू। चलो बैठो बैठो। अच्छा आप मुझे बताए, इतनी अच्छी ये नेल पॉलिश लगाई हुई है, जुड़ी कहाँ से आई आपको? हाय जानी, ये तो एक कतरी शहजादे ने मुझे भेजी है। ये सारे मेरे पास क्यों नहीं आती है कतरी शहजादे? देखो बात ये है कि कतरी शहजादे जो है ना, वो शराफत के बहुत कदरदान है। अच्छा अच्छा। और तुम सबको तो पता है कि मैं बहुत शरीफ औरत हूँ। ये हमारी बबली है और ये इस घर की बेगम नवाजे चली है, समझ तो गई होंगी आप। यार मुबारक हो, आजकल तो मेहमान भी सारे आपके स्टाइल के आ रहे हैं। और ककड़े क्यों? मैं लेके आया चीजें, जो कहा है वो काम, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है मेरी जान? अब मुझे ये कभी कभी ना कह देते हैं कि बॉयज के साथ फिरो, कभी कहते हैं गर्ल्स के साथ ना फिरो, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये भाई है मेरा तो मैं नहीं, व्हाट इज ओके। हेलो डार्लिंग जॉन, एज मच एज आई लव यू, आई डोंट वांट टू बी द गिवर ऑफ बैड न्यूज़ हियर, लेकिन अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी बहन है। ये भाई है मेरा, ये बहन है, समझ लेना। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम भाई बनना चाहते हो कि बहन बनना? नहीं, कभी कभी भाई बनने का भी मूड होता है, कभी कभी बहन भी बनने का मूड होता है। हाँ तो अच्छा है ना भाई, ओके, टू इन वन है तुम्हारा। चले इन वन को भी भाई का। आप मुझे बताएं कि आपने इनको कहाँ देखा सबसे पहले? शर्म आती है मुझे ना, ये साड़ी कैरी करना इस तरह नहीं आती। मैं सिखा दूंगी मेरी जान। तुमने पूछा कि मैंने इनको कहाँ देखा पहले? मैंने इनको सबसे पहले मलेशिया के स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखा। ओ अच्छा। बात है जानी, बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क में तो कवर्ड रहते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जाते ही सारे कवर्स उतार फेंकते हैं, एक्स्ट्रा कवर में चले जाते हैं। कितनी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है मेरी नंदू की। ओह माय गॉड, आई लव यू, इतनी अच्छी देख रहे थे भाभी आप, इतना अच्छा टाइम लगेगा। मुझे बताओ यहाँ पर अच्छी शॉपिंग की जगह कौन सी? शॉपिंग की यहाँ पे बहुत सी जगह पे है, लेकिन ना मेरे पास बड़ी फ्रेंड्स हैं जो कि डिजाइनर हैं। हाँ हाँ, अब आप आ गए हैं तो अब सब कुछ आप ही करेंगे ना? डोंट वरी, बट तुम्हारा भाई है बहुत कंजूस। एग्जैक्टली, कितनी दफा गई इसके साथ शॉपिंग कराने, जहां जाता था कहता था विंडो ले लो, विंडो ले लो, विंडो शॉपिंग कर लो, विंडो शॉपिंग कर लो। विंडो शॉपिंग का तो कोई मजा नहीं है ना। अच्छा मजा क्यों नहीं, विंडो शॉपिंग का ही तो सबसे ज्यादा मजा है। कैसे? आप जितनी मर्जी कर लो परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताएंगे, मुझे इतना लंबे बाल भी नहीं रखने देते। इनसे पूछो कि ये सारा मालो दौलत, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी जमीनों जायदाद, ये सारा पैसा कहाँ लेकर जाएंगे भाई? कहीं नहीं लेके जाना, जिंदगी गुजारने के लिए रखा हुआ है। अच्छा चले छोड़े आप लोग, आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों का शादी के बाद प्लान क्या है? ये तुम शादी के बाद, व्हाट डू यू मीन? इन्होंने मुझे ये बताया ना शादी कर ली, आपने इन्हें बताया नहीं? आज बबली को मैंने जिंदगी में इतना खुश नहीं देखा यार, इतना चला गई हूं ना घर की भाभी जो आई है भाई। लेकिन मुझे ये बताएं, अब अभी ये जो जिस तरह आप साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहन के अपने आप को अपने कैरी करना होता है, किस तरह है? मुझे वो ना वो वॉक नहीं आती है, मतलब वॉक करेंगी आप? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ओके कम ऑन, लेट्स गो, ओके बॉय। देखो वॉक का सिंपल तरीका, वॉक करने के लिए पहले खड़ा होना होता है सीधा। कैसे? थोड़ा टेढ़ा सीधा, थोड़ा टेढ़ा और सीधा, थोड़ा टेढ़ा और फिर सीधा। उसके बाद एक टांग को निकालना होता है आगे, ओके एक टांग आगे, और फिर दूसरी टांग आगे, और फिर दूसरी, फिर पहली, फिर पहली, फिर दूसरी। ओह इसी तरह पहली दूसरी, वन टू। अब भी नहीं चल सकते तो ये कैरी कैसे करोगे पहन के? अच्छा सिखाओ, दिखाओ, मैंने जो तुम्हें सिखाया है। ओके यहाँ पे ऐसे आके, यहाँ पे ऐसे आके, यहाँ पे इसको कैच वॉक कहते हैं। पहली चांग निकाली, हाँ जी, पहला वन टू, वन टू, वन
Very nice. Yeah. Oh, thank you very much. Such a fast learner. बिल्कुल मेरी तरह हो तुम. Exactly. चीजें बहुत जल्दी सीख लेती हो. आप मुझे पता क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? ये ना मुझे हर चीज से रोक देते हैं. कहते जाने जाना, बॉयज के साथ नहीं बैठना, वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलनी, सब कुछ ऐसे. स्लीवलेस भी नहीं पहनने देते मुझे. आ गई हूँ ना, बॉयज की पूरी क्रिकेट टीम इकट्ठी करूंगी तुम्हें खेलने से. भला कौन रोक सकता है? अब मैं इस घर में आ गई हूँ, अब मर्दों का राज नहीं चलेगा, अब इस घर के अंदर औरतों की हुक्मरानी होगी. अच्छा, इसके साथ घर का सिस्टम चेंज होने वाला है. नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं है. और अच्छा, इस खुशी में ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना भाभी के साथ थोड़ा सा डांस कर लूं. तो करो, मैंने तो अभी कर लिया, अब तुम करो. मैं डांस कर लूं थोड़ा? करो. ओके, खादिम खादिम प्लीज मतलब अच्छा वाला गाना लगा दो जो मुझे अच्छा लगता है. जी अच्छा लग गया. आजे आजे यहाँ पे आके ना थोड़ा सा डांस करते हैं. आपकी इजाजत है? ना जी इजाजत. ओह थैंक यू. कहता हूँ पहले तो कुछ घरों के लोग आते थे ना, अब तो पूरे इलाके के लोग आया करेंगे हमारे. कितना अच्छा लगेगा. मैं एक बात बताऊं, मैंने फुल पैकेज है भाभी, फुल एंटरटेनमेंट, आई लव इट. आपको पता है, अच्छा मुझे बताएं, आपको टीवी ड्रामों में कौन सी ज्यादा अच्छे लगते हैं प्रोग्राम्स? टीवी ड्रामों ऐसे मतलब कोई कोई लोग ज्यादातर आप ये न्यूज ही देखती रहती है, करंट अफेयर्स? नहीं नहीं, मैं तो वही देखती हूँ, तारिक अजीज शो. अच्छा, लेकिन मैंने तारिक अजीज शो. हाँ, बहुत अच्छा लगता है अभी तक. आज छोड़े आपको, मैं एक और आपको बात बताने लगे भाभी की. आपने मुझे एक बात बताई थी, अब जो आपका प्रोग्राम आ रहा था ना, जब उसमें आपने देखा था कि आपको खर साहब बहुत अच्छे लगते हैं. खर साहब क्या कहने, खर साहब के बबली ये बताओ कि खाना बना लेती हो तुम? नहीं नहीं, खाना खा लेता हूँ मैं. मुझे खाना खाने का बड़ा शौक है. मुझे खाना खाने के बिना बर्गर्स भी अच्छे लगते हैं, पिज्जा भी अच्छे लगते हैं, और पास्ता तो इतना अच्छे लगते हैं कोई हद नहीं. लेकिन कुछ तो बनाना आता होगा. No, आप मुझे सिखा देना. क्या बनाना सिखाएंगी आप मुझे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें आदमी को बेवकूफ बनाना. औरतों के बहुत काम आता है. अच्छा? एक दफा ये गुण सीख लो कि आदमी को, रईस आदमी को बेवकूफ कैसे बनाना है, तो समझ लो आधी जिंदगी तो सेट हो गई हमारी. ये वाली बातें आप परेशान हो. आपने ये वाली बातें मुझे क्यों नहीं सिखाई? मैं क्यों सिखाऊं तुम्हें ये बातें? कभी आप मुझे कुछ कह रहे होते, कभी कुछ कह रहे होते, मैं तो दरमियान में. ये बेवकूफ बनाना आपने किससे सीखा? सारी चीजें बता दूं क्या मिस्टर जॉन? किसी एक का नाम तो. तुम्हें लगता है शायद कि तुम मेरे बारे में सबको जानते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आज भी तुमसे पोशीदा हैं. अभी भी छुपी. और मैं चाहती हूँ कि वो चीजें छुपी ही रहें तो बेहतर है. या वो कहते हैं ना, विमेन हार्ट इज लाइक एन ओशन, नोबडी नोज व्हाट्स इन इट. एब्सोल्युटली एग्जैक्टली. सो हमें पता है कि हमारे दिल में क्या क्या होता है, ये किसी को नहीं बता सकते हम. और कुछ? Any problem? अच्छा, नहीं, कोई problem. अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? नहीं करते. कोई बात नहीं, मैं अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी भी करवाऊंगी. तुम्हारे हाथ भी लेकर आऊंगी. क्या कह रही है, लड़का? तो फिर किससे कराऊं? भाई है ये मेरा. बहन है, आंखें खोल कर देखो. मेरी आंखें बंद नजर आ रही है. अच्छा देखो, आज तो हमें फैसला करना ही होगा. एग्जैक्टली. तुम भाई हो या बहन? देखिए मुझे ना सारे के सारे, मैं हमेशा ना कभी कभी मैं छोटी ये में चली जाती हूँ, फिर बड़ी ये में. तो इस वजह से कि मुझे होते हैं कि मर्द बनो तो नहीं हो सकता ना. तो नहीं होता तो इट्स ओके, इट्स फाइन. लेकिन देखो भैया, आजकल मतलब भैया नहीं, देखो बहना, आजकल औरत को भी अपने अंदर थोड़ी मर्दानगी लेकर आनी ही पड़ती है. Exactly. क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर औरत दबती रहेगी तो फिर औरत का हर कोई नाजायज फायदा उठाएगा. Exactly. तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर के मर्द को कभी मरने ना देना. No, that's very nice. लेकिन शादी तुम्हारी में किसी मर्द से ही कराओ. अच्छा मुझे बताएं, अब जिम भी करती है, अब जोले बने हुए बड़े जोले बनाए हुए इन्होंने. लेकिन क्या होता है, जिम में कोई आजकल शुरू किया. इतने अच्छे अच्छे डोले बने हुए. अच्छा, लड़कियों के होने चाहिए. ऑफ कोर्स. मैं हां हुसैन डिक्लेरेशन का भाभी. हाय, कौन हो चंदा? कम हियर स्वीटी. मेरी तो पूरी फैमिली जमा हो गई यहां पे. गाना तो आपके लिए आना चाहिए. आपके लिए मैं गाना गाऊं? हां गाओ गाओ. आप हैं हुसैन की क्लेशन को डरते ने मेरे तो आशिक लोग. खबी अख मारा ते डोल जामा मैं, सजी अख मारा ते मारा सारा जग. कलाशन को पड़ा है हमारे घर में. वाह मेरी जान, तुमने गाना गाया खुद खुद मेरी क्लाशन को चलने लगी. अच्छा लगा मुझे. माय गॉड, यू लुकिंग सो प्रीटी. थैंक यू डार्लिंग. इतनी प्यारी है ना. अच्छा पहले अपना नाम तो बताओ. मेहरू. मेहरू फोन में बात ही तो करती
ऑफ कोर्स ये है मेहरू, कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, आप पानी डालते रहते हो इसके ऊपर बड़ी हो जाती है। ऐसी बात की, सॉरी रॉन्ग जोक। आपकी इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप इसके साथ कैसे हो गई? किसके साथ? बस समझ लो कि हम तो शायद ऐसे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें। Getting jealous now? Don't worry, darling. आप इसको ज़्यादा प्यार कर रही हैं? नहीं, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करूँगी। अच्छा, नाज़ी पता है कि इसका क्या शौक है? क्या है भाई? बताओ भाई। बताओ भाई। मुझे ना सिंगर बनने का बहुत शौक है। तो तुम सिंगर हो? कितना अच्छा गाती है? क्या हो गया, ये अच्छा गाती है? गजल सुनाओ, गजल। गजल? मेरे तो ख्याल है मूड तो वो वाला बना हुआ है, सजन मेरे आ, आ, आ सजन मेरे आ, गुंगे दी रमजन गुंगा जाने। Oh, wow. सौ जब तेरी बार किस रानी। वाह वाह, क्या करने हैं? सजन मेरे आ आ आ, सजन मेरे आ आ आ आ, तेरे कहा ये ने कहा। अपना कोई ग्रुप बना लो। ग्रुप बना लेती हैं। कौन से सिस्टर्स रखे नाम? मेरू, नाज़ी एंड बबली। मेरू, नाज़ी एंड बबली। एमएनबी लड़कियों में फंस गया हूँ। मेरे लिए नहीं लाई आप कुछ? चौधरी साहब ने तोहफे में दिए थे। पर फिकर नॉट, ये चौधरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें सारे गुर सिखाऊंगी कि तुमने भी ऐसे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कैसे ठगने हैं। कुछ भी सिखा रही है ये, तुम भी करोगे ऐसे? हम तीनों मिलकर लोगों को ठगा करेंगे और जितने पैसे कमाएंगी आकर आपके कदमों में डाल दिया करेंगे। मुझे किस काम पे लगा रहे हो बबली? ये सब और आपके सारे कर्जे भी उतने, सब कर्जे उतर जाएंगे। बस आपने एक चीज का आपने को इंश्योर करना है कि हम तीनों को कोई आंच ना आए। एग्जैक्टली, हमें कोई खराश ना आए, हमारी तरफ कोई मेली आंख उठाकर देख भी ना सके। जो जिन जो जो काम आप करने जा रही हैं उसमें तो पता नहीं कितनी खराशें लगेंगी। क्यों जी, वो तो एक अलग बात है, छोड़ दिया उस बात को। कौन से चौधरी साहब की बात पूछ रहे थे आप? ये चौधरी साहब कौन है जिन्होंने ये गिफ्ट की है? How is it any of your business, darling? अच्छा, मेरा पूछने का ये हक भी नहीं है? Of course not. मेरी प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी है. Of course, मैं आज की औरत हूँ. मेरी तुम कितनी साइड ले रही हो? क्योंकि वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाएंगी. मतलब इससे पहले तो आपने हर जगह पे आके बोलते थे तुम चुप कर जो बबली आज आई है, ये तो अंदर का ना जो बबल थे वो खुल गया है मेरा. सॉरी जॉन, जरा फोन लगाना, एक अच्छे से फोटोग्राफर को बुलाओ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारा एक फैमिली पोर्ट्रेट बने, उसको हम फेसबुक पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे, उसको हम वायरल बना देंगे, और उसके बाद देखो कहाँ कहाँ से, दुनिया के किस किस कोने से हमें फोन नहीं आते। ओह वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। मुझे ये बताएं, आप इतनी प्यारी हैं, आपको इनमें क्या पसंद आया? कुछ मेरा मतलब है कि इतने हैंडसम है हमारे भाई, वैसे तो मैं इनको अपना भाई नहीं मानती, कजन है मेरे, लेकिन बहुत हैंडसम है। नहीं, नहीं, कजन भी भाइयों जैसे ही होते हैं, बल्कि भाई ही होते हैं। आपको इनमें पसंद क्या आया था? डजन डजन बता सकती है? मुझे शर्म आती है। नहीं नहीं, वो जो बताने वाली बात है वो बता दें, जो हाँ जो सबको बताने वाली है वो बोलिए। कौन सी हैबिट आपको ऐसी हैबिट कौन सी अच्छी लगती है भाई की? नहीं, आप इनके हाथों को देखो,